अच्छा क्या सुन लिया मैं, हाँ कि मैं क्या सुन ली। खैर गाइस, काम तो हो गया अब SBI में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप देख सकते हैं मेरे बगल में वो, मैं इसको, मैं 5:30 बजे से उठा रहा हूँ बट ये उठ ही नहीं रहा है। 6:10 बजने को आ गए हैं, 6:10 हो गया, 40 मिनट से उठा रहा हूँ, ये उठ ही नहीं रहा है। मौत को छू के देखिए, अभी को बोला उठ गया हूँ, ये 40 मिनट से हो रहा है उठ गया हूँ लेकिन उठा नहीं है, बेड पे ही है। ओह माय गॉड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कल हम लोग मदुरास के घर पे आए हुए थे, इसलिए मम्मी पापा अभी नहीं थे, गए हुए थे लखनऊ किसी काम से, घर पे कोई नहीं था तो ये घर पे अकेले ही था, इसलिए घर पे हम लोग आए हुए थे। अपनी जिम्मेदारी मैं वापस लेता हूँ ब्लॉग बनाने की, मैं सो रहा था तो मैं भाई ब्लॉग की स्टार्टिंग उसी ने कर दिया था। इसलिए मतलब कि हम 5:30 बजे का मैं अलार्म लगाया था कि हाँ सुबह में 5:30 बजे उठ के मुझे अभी निकलना था किसी और भी काम के लिए घर पर, तो उस टाइम तो उठ नहीं पाया, अभी 6:10 हो रहा था। यहाँ से फिर मदुराज के घर से अपने घर जाएंगे रेडी होकर, फिर मेरे को वहाँ से भी निकलना है। सो गाइस, मदुराज भाई भी आ गया, अब यहाँ से हम लोग घर जाएंगे अपने। रात में मैं काफ़ी लेट से सोया था, ये भी लेट से सोया था। अब मैं भाई, इसका एक चीज़ है, अगर 3 बजे भी सो रहा है, 2 बजे सो रहा है, 4 बजे सो रहा है, सुबह में 5 बजे उठ जाए अगर आपको भी उठा देगा, मगर ये मुझे उठाया 6:10 बजे उठा दिया। खैर गाइस, मधुराज के घर से आने के बाद हम लोग तैयार हो गए हैं, अब अपने घर से निकल रहे हैं रेडी होके। पापा जल्दी चले गए थे यार, तो पापा 6:30 बजे तक चले गए दोनों, मैं सुबह मॉर्निंग में ही कचहरी छोड़ दिया था। अब यहाँ से मैं भी रेडी हो गया हूँ, निकल रहा हूँ, 7:30 बज रहे हैं। आज के ब्लॉग में बने रहे, आज का ब्लॉग काफी मस्त होने वाला है। बाल भी आज मैं बाल कटवाऊंगा, सबसे ज्यादा इरिटेटिंग जो मुझे बाल लग रहा है अपना यार, बड़े बाल रहते हैं, क्या दिक्कत है ना कि अगर आप हेलमेट पहनो, आप गाड़ी उड़ी से जा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि भाई बाल पूरा इधर उधर हो जाता है तो बहुत अजीब दिखता है, तो इसे भी आज कटवाएंगे, इस बला को आज टलने देंगे, चलते हैं कोचिंग के लिए वरना अब लेट हो जाएंगे क्लासेस के लिए। गाइस मैं कोचिंग तो आ गया हूँ, चलते हैं अंदर। बाल देखो गाइस कितना अजीब हो जाता है यार, अगर बाल बड़े रहते हैं और आप उसमें हेलमेट लगाओ फिर से हवा से लगता है गाड़ी वाड़ी चलाते टाइम, छोड़ो हाथ तो कट ही जाएगा बाल। चलते कोचिंग के अंदर भाई। गाइस कोचिंग से तो मैं निकल गया हूँ, क्लासेस ओवर हो गई थी, अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग जाएंगे रमेश भाई के शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे हेयर कट लेना था मेरे को, फिर वहाँ से भी कुछ कुछ काम रहेंगे, चलते हैं डायरेक्ट रमेश भाई के शॉप। गाइस यहाँ पे अगर आप सीधे चले जाओगे तो ये सीधे लंका से आप लेफ्ट लोगे तब आप सामने घाट साइड जाओगे, और ये एक रविदास गेट है, यहाँ पे ये गुरु रविदास गेट है, आप यहाँ से ले लोगे तो एक ड्रामा सेंटर वाली गली निकलेगी, वहाँ पे आप निकल जाओगे। इससे ये फ़ायदा है कि अगर आपको जाना है सामने घाट साइड तो इधर आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, और लंका गेट पे क्या है कि भाई अगर आप उधर से जाओगे तो उधर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा क्राउड मिलता है, तो मुझे तो यही वाला रास्ता पसंद है क्योंकि इधर ट्रैफिक भी नहीं है भाई, इधर ही से हम लोग जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे इसे। सो गाइस देखो ये उस वाले जहाँ से हम लोग आए हैं रविनपुरी वाले गेट से, वहाँ से आने पे ये ड्रामा सेंटर के ठीक सामने ही वाला गली खुलती है, और इधर से आपका बीएचयू वाला रास्ता है, और इधर आप लेफ्ट ले लोगे तो इधर आपका सामने घाट निकल जाएगा, तो ये वाला रास्ता देखो, इधर ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा है, ट्रैफिक यार बनारस में बहुत ही ज़्यादा है। सो आज खाली रास्ता मिला है गाइस, फ़ायदा उठाते हैं। सो गाइस हम लोग रमेश भैया के शॉप पे पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं यहाँ से अंदर, चलते हैं आज हम लोग का कटेगा बाल। गाइस जाने के बाद पता चला कि रमेश जी अभी शॉप पे है ही नहीं। हाँ जिसको जैसे डायबिटीज वगैरह भी है उसको भी बहुत गंदा डेंगू इस टाइम इफेक्ट कर रहा है। हाँ अंकल गाइस इस टाइम पे इतनी तेज नींद आती है, जब ऐसे कैची चलती है ऐसे कान के ऊपर बहुत तेज नींद आती है इस टाइम। अभी बहुत ही मुझे नींद आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ये वाला देखिएगा सबसे, यहाँ पे ये छोटा छोटा हुआ मेरे साथ।
ऑलमोस्ट कटिंग हम लोग का हो चुका है। यार गाइस कटिंग तो हमारा हो गया है, कमेंट में आप लोग बताना कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। मुझे तो सही लग रहा था यार, अच्छा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हम लोग को। यहाँ पे मैक्सिमम 30 मिनट्स लगे होंगे, उसके बाद हम लोग फ्री हो गए यहाँ से। अब चलते हैं, हम लोग को एक और दो काम है वो करके फिर घर जाएंगे। गाइस आप लोग को एक प्लेस दिखाता हूँ, मैं इधर ही आ रहा था, रुको आपको दिखाता हूँ, रास्ते में दिख गया, मैं रुक गया, आप लोग को मेरे को दिखाता हूँ। ये देखो आप लोग, दुर्गा कुंड का ये है पोखरा है यहाँ पे, इसे मतलब तालाब बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ भी हैं, और ये रुको आपको दिखाता हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आओगे तो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, ऐसा बैठने के लिए यहाँ पे चेयर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, आप चेयर्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये देखो इसका मेन गेट भाई, बहुत सुंदर आगे से, ये पीछे का है मगर आगे से देखोगे काफ़ी सुंदर है। मुझे तो भाई ये काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे यहाँ पे आप जब भी आओ तो यहाँ पे चेयर्स वगैरह जो लगे वहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, फोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी आती हैं। ये दुर्गा कुंड, ये देखो जैसे दुर्गा कुंड यहाँ पे पोखरा है उसका, मतलब कि तालाब जिसे बोलते हैं, जस्ट सामने ही देखो मंदिर भी है यहाँ पे, ये रेड कलर का देखो मंदिर भी है। तो गाइस अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, हम लोग को देखो दो काम है यार, एक तो बैंक जाना है SBI, वहाँ पे जाके कुछ पैसे डिपॉजिट करने थे। दूसरा काम है भाई हम लोग अपना जियो का सिम में पोर्ट करवाना था, हम लोग के पास वोडाफोन है। पहले क्या सीन था भाई, वहाँ पे वोडाफोन का हम लोग का नेटवर्क कुछ खास नहीं रहता था, जहाँ पे मेरा भी घर है पहले अच्छा था मगर अब नहीं है, तो इसलिए मैं जियो में पोर्ट करवा रहा हूँ। मेरा इनकमिंग भी भाई 4 दिन से बंद है, क्योंकि मैं जियो में पोर्ट करवाना, मैं रिचार्ज ही नहीं करवा रहा हूँ। फर्स्टली मैं जियो में पोर्ट करवाऊंगा, उसके बाद ही रिचार्ज करवाऊंगा। खैर गाइस हम लोग SBI आ चुके हैं, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग को कितना टाइम लगता है। जब भी आते हैं भाई अच्छा खासा भीड़ लगता है, इसके गेट भाई बहुत गंदा, धूप है यार आज भी। भाई पूरे 1.5 घंटे खड़े रहने के बाद हम लोग का अभी को जाके पैसा डिपॉजिट हुआ है किसी के घर में। भाई अगर एम्प्लॉय होंगे SBI में तो भाई बुरा मत मानना, मगर भाई SBI का काम भाई बहुत डिले करता है, हद से ज़्यादा, बहुत धीरे काम है यार। लाइन में इतने देर खड़े होने के बाद 1.5 घंटे बाद मेरा काम हुआ है। खैर गाइस काम तो हो गया अब SBI में, अब चल रहे सिम अपना पोर्ट करवाने। गाइस मैं घर जा रहा था, सोचा मम्मी से मिलते हुए जाऊंगा, मगर आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इनका बोलना है कि तुम्हारा बाल अभी भी बड़ा है, क्या टकला हो जाऊंगा? चलो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन भाई अच्छा क्या सुन लिया मैं? हाँ कि मैं क्या सुन ली। खैर गाइस मम्मी के पार्लर से अब निकल के मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट पोर्ट करवाने अपना सिम। सो गाइस मैं बाहर से घर आ चुका हूँ, अभी सुबह से भाई कुछ ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं मैंने, बहुत भूख लगी है। सारा काम तो हो गया था मगर सिर्फ एक काम मेरा पेंडिंग रह गया था, जो सिम मैंने पोर्ट करवाना था भाई, जहाँ से पोर्ट करवाना था वो अभी शॉप बंद था, तो वहाँ पे कल हो सकता है जाए, नहीं तो आज शाम में पोर्ट करवा लेंगे। सिर्फ ये वाला काम नहीं हो पाया हमारा, बाकी तो सब हो गया। SBI वाला भी भाई थोड़ा लेट लगा, अब चलते हैं भाई कुछ खाना वाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। गाइस नहा धो के मैं खाना खा चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ थोड़े से ब्लॉग को एडिट करने। शाम में हो सकता हूँ मैं और दोस्त है एक, उसके साथ मैं एक जगह जाऊंगा, तो आप लोग तब तक ब्लॉग में बने रहिए, काफी मजा आएगा। मैं अभी तक जा रहा हूँ ब्लॉग को एडिट करने, जितना एडिटिंग गाइस हो जाता है अभी कर लेते हैं, वरना अभी रात में तो एडिटिंग करके भाई कल सुबह तक मैं आप लोग को पब्लिश कर दूंगा, आप लोग तक ब्लॉग का नोटिफिकेशन चला जाएगा जरूर से। खैर गाइस एडिटिंग तो हमारा थोड़ा ही हो पाया था, मगर फिर सोचा था कि भाई मदुरा से घर पे कोई नहीं हो, अभी कुछ खाया भी नहीं है, तो अभी उसके घर जा रहे थे। मैं फोन भी नहीं चार्ज था, चार्जर लेके ही जा रहा था मैं उसके घर, कुछ खाया नहीं तो सर कुछ खाने के लिए भी ले लेंगे। मधुराज भाई के घर हम लोग आ चुके थे, हम लोग उनके लिए समोसा लाए थे, भाई ने भरपेट समोसा खाया। अब हम लोग बैठ के भाई चुपचाप मैच देख रहे हैं, मैच आज है नीदरलैंड का है और किसका है? अफगानिस्तान का है। काफ़ी अच्छा रन रेट चल रहा था मगर सब चीज़ ठीक था, मगर भाई मैं मैच दिखा नहीं सकता हूँ इसे, अभी मैच भी देख रहा हूँ तो भाई पूरा वॉल्यूम अभी कम करके देख रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था, मैं बताता हूँ आप लोग गैस करना हो कौन सा शो होगा। जो मेरा एक दोस्त था उसका गेमिंग चैनल था, 6,000 सब्सक्राइबर थे, बट वो अपना आगे भाई गेम अपना खेल रहा था, बट उसके बैकग्राउंड में एक दोस्त था, एक शो है जो उसमें भाई दिन भर सब पागलों की तरह लड़ाई करते रहते हैं। गैस करना क्या नाम हो सकता है उसका, मैं ऐसे बोल नहीं सकता हूँ, पागलों की तरह दिन भर लड़ाई करते रहते हैं भाई। उसका उस पर भाई 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, क्लेम करना था मगर भाई कॉपीराइट स्ट्राइक उस शो ने दे दिया था उसे, तो ये काफी बेकार हुआ था बेचारे का, चैनल भाई स्ट्राइक से तुरंत टर्मिनेट हो गया था, इसलिए भाई मैं नाम भी नहीं लिख सकता हूँ। मैच देख रहे हैं, मैं टीवी भी नहीं दिखा सकता हूँ। राज भाई भी मैच देख रहा है हमारा, है कर दो
आप लोग उस वाले शो का जरूर नाम बताना जिसमें सब दिन भर पागलों की तरह लड़ाई करते रहते हैं, फेक होते हैं। उस वाले शो का आप लोग नाम बताना, लड़ाई करने का पैसा मिलता है। हाँ, लड़ाई करने का और फेक लड़ाई करने का पैसा मिलता है। आप लोगों अगर पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस शो का जरूर नाम बताना, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। नहीं, भाई मधुराज भाई के घर से हम लोग अपने घर जा रहे हैं। हम लोग आए थे क्रिकेट देखने की, हाँ आज अच्छा मैच होगा तो मजा आएगा। नेदरलैंड की भाई ऐसी बैटिंग हुई है ना कि भाई देख के भाई क्रिकेट से मन भर गया, पेट भर गया, पूरा मन ही नहीं कर रहा है, इसलिए भाई अब घर जा रहे हैं। गैस मैं मधुराज के घर से आने के बाद मैं थोड़ा मम्मी के साथ चला गया था मार्केट, मम्मी का पार्लर है तो कॉस्मेटिक का कुछ सामान वामान लेना था, तो वहां से भाई अभी जस्ट आया हूँ। 9:30 बज रहे हैं। आज का ब्लॉग भाई दिन में आधा मैंने एडिट कर दिया था, अभी आधा जो दिन का थोड़ा बहुत बाकी है उसको मैं एडिट करके कल सुबह तक मैं ब्लॉग अपना अपलोड कर दूंगा, अभी थंबनेल भी बनाना था। सो आज के ब्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।